नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वप्न एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है जो सच्चाई में होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। स्वप्न में मनुष्य कभी यहां और कभी अन्यत्र पहुंच जाता है। स्वप्न में ऐसे ऐसे कार्य भी होते हुए देखता है जो कि होना असंभव भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक स्वप्न कुछ न कुछ कहता अवश्य है। वह हमारे भाग्य की ओर संकेत करता है कि हमारा स्वप्न का अर्थ हमें क्या संकेत देता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है अथवा हमारा अशुभ समय आने वाला है। शुभ और अशुभ की इस कड़ी में हम आपको आज स्वप्न के एक ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप अपने आने वाले निकटतम भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका समय किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन से सपने सच होते हैं और कौन से सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वे सच नहीं होते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य सोता है तो वह उसके सभी अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, परंतु उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य करने लगता है और यही वह कारण होता है जिसके कारण मनुष्य स्वप्न देखता है। और उन सपनों का अर्थ क्या होता है यह हम आपको अपनी इस वीडियो सीरीज़ में बताएंगे। आज की हमारी इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है पानी, यानी पानी को आप अगर स्वप्न में देखते हैं तो किस प्रकार से देखने पर उसका क्या फल होता है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नंबर एक, अगर आप पानी से भरा हुआ कोई पात्र भरा हुआ रखा हुआ देखते हैं, अर्थात आप पानी, साफ पानी को पीते हुए देखते हैं स्वयं को, तो यह एक शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि शीघ्र ही निकटतम भविष्य में आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करेंगे जो कि आपके जीवन के लिए सकारात्मक होंगे। नंबर दो, आप पानी को किसी गड्ढे में भरा हुआ देखते हैं और पानी अगर साफ है तो यह भी एक अच्छा और शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी छवि साफ है और शीघ्र ही आपको समाज में सम्मान मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकती है और जिसके कारण कदाचित आपको धन लाभ भी हो सकता है। नंबर तीन, अगर गड्ढे में भरा हुआ पानी गंदा है तो दोस्तों आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि शीघ्र ही आपके साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और हो सकता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए अथवा कोई आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करे। तो इस समय अगर आप ऐसा स्वप्न देखते हैं तो भूल कर भी झूठ ना बोलें, क्योंकि आप अपने बोले गए झूठ में खुद ही फंस सकते हैं। नंबर चार, अगर आप पानी का कुआं देखते हैं, दोस्तों कुएं के दो रूप हैं, एक तो आप पानी का कुआं देखते हैं और दूसरा आप पानी से भरा हुआ कुआं देखते हैं, तो दोस्तों दोनों ही सपने शुभ हैं और दोनों का अर्थ है कि शीघ्र ही आपको धन लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ अवश्य होगा। नंबर पाँच, सपने में अगर आप नदी देखते हैं तो दोस्तों यह भी एक शुभ स्वप्न है। साथ ही अगर आप स्वयं को नदी में देखते हैं अथवा नदी के आसपास देखते हैं तो भी यह अच्छा सपना है, और अगर नदी का जल स्वच्छ है फिर तो आपके पौवारा हो गए, यानी कि आपको शीघ्र ही धन लाभ होने वाला है। यह एक शुभ संकेत है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति हो सकती है, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है, और जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अच्छा धन लाभ होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप नदी में बहता हुआ जल देखते हैं तो यह मिश्रित फल देने वाला होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सपने में समुद्र देखते हैं तो समुद्र को स्वप्न में देखना शुभ नहीं माना गया है, यह एक अशुभ संकेत है। वहीं अगर आप सपने में खुद को समुद्र में पाते हैं तो यह और भी अधिक
अशुभ संकेत है। आपको अपने जीवन के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। आपको अपने आलस्य और अपनी लापरवाहियां त्याग देनी चाहिए। साथ ही अगर आप उस समय कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसे अभी शुरू ना करें, क्योंकि उसके विफल होने के बहुत अधिक चांस हैं, तो उस काम को अभी आप टाल दीजिए। वहीं दोस्तों, अगर आप सपने में किसी कुंड को अथवा किसी तालाब को देखते हैं तो यह भी एक शुभ स्वप्न माना गया है। वहीं अगर तालाब या कुंड का पानी अगर स्वच्छ है तो आपको धन लाभ होगा ही होगा। दोस्तों, यह थे जल के द्वारा अथवा पानी के द्वारा दिए जाने वाले वे संकेत जो हमें सचेत करते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाला हमारा समय हमारे अनुकूल होगा अथवा हमारे प्रतिकूल होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे भी हम अपने वीडियोस को जिसमें स्वप्न से रिलेटेड ऐसे कई सारे सीरीज बनाएंगे और पूरे स्वप्न संहिता को हम आपके सामने खोल कर रख देंगे, जिससे आप स्वप्न में देखे हुए किसी भी स्वप्न का फल स्वयं ही जान सकें। धन्यवाद। जय सियाराम।